मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल Pathfinder Classes छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट 6 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं। करण, नीचे दिए गए आकृति में एंगल 1 बराबर दिया है 130 और एंगल 6 बराबर दिया है 60। एंगल 1 बराबर ये 130 है और 6 बराबर 60 है, तो क्या ए बी सी डी के समांतर होगा? तो यहाँ देख रहे हैं, आपको पता है कि एंगल यहाँ जो है 5 और एंगल 6 का सम तो 180 होगा ना, रैखिक युग्म से। यह लिख सकते हैं ना कि रैखिक युग्म से ऐसा होगा, रैखिक युग्म से ये ऐसा होगा। तो यानी कि एंगल 5 तो आपके पास नहीं दिया है, एंगल 6 दिया है। एंगल 6 कितना दिया है? 60 है ना, बराबर में 180। अब जे जाके उधर घटा दीजिए तो एंगल 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? तो 120 डिग्री। लेकिन आपका एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होता है ना, अगर ये ए बी समांतर होता सी डी के तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर नहीं है, इसलिए इसलिए ए बी सी डी के समांतर नहीं है। ए बी नॉट पैरेलल टू सी डी, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि एम समांतर है एन और एल क्या है, इस पे तिर्यक रेखा है। अगर एंगल 2 और 3 का जो अनुपात दिया है, 2 अनुपात दिया है, तो हम लोग को क्या करना होगा कि माना एंगल 2 जो है इसको कितना मान लेंगे, 2x है ना, और एंगल जो आपका 3 है वो कितना हो जाएगा आपका 3x, यानी कि ये 2 और 3 और दोनों का योग 180 होगा ना रैखिक युग्म से। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 कैसे होगा? तो ये आपका रैखिक युग्म से हो जाएगा। कैसे होगा? रैखिक युग्म से इन दोनों का योग जो होगा 180 हो जाएगा। तो एंगल 2 है ये 2x और ये है 3x, ठीक है, अनुपात दिया ना आपके पास 2:3, चलिए बराबर में है 180। इन दोनों को जोड़ दिया तो आ जाएगा 5x, तो 5x बराबर 180 ना। अब चलिए 5 को इधर ले जाएंगे भाग में, तो 180 में 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 से भाग करिएगा तो 5 दिया 15 और 5 36 36 आएगा। तो x का वैल्यू यहां से आ गया 36, यानी कि एंगल 2 बराबर हो गया आपका 2x, यानी कि कितना हो जाएगा 2 × 36 यानी कि 72 डिग्री है ना, 72 डिग्री। और एंगल 3 बराबर जो है आपका 3x है ना, तो कितना हो जाएगा 3 × 36, तो 36 में 3 से गुना करिएगा आपका आ जाएगा 108 डिग्री। तो एंगल 2 और 3 निकल गया, तो बाकी सब कोण तो आप निकाल ही सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं? तो एंगल 4 जो होगा, एंगल 4 ये एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से होता है ना बराबर, यानी कि एंगल 4 जो हो जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा एंगल 2 के बराबर, यानी कि 72 डिग्री, ठीक। उसी तरह एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 जो होगा आपके एंगल 3 के बराबर होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, तो एंगल 1 भी कितना आ जाएगा आपका 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक। ये तो रहा, ये चारों एंगल निकल गए। अब इन चारों को निकालने के लिए तो 1 हो जाएगा 5 के बराबर, यहाँ लिख देते हैं ना नीचे, चलिए लिख देते हैं इसको भी। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 1 कैसे, तो ये हो जाएगा संगत कोण से, संगत कोण से, तो संगत कोण से ये कितना, यानी कि एंगल 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो एंगल 1 जितना है उतना 5 होगा, तो 1 है आपका 108 ना, तो ये भी हो जाएगा 108 डिग्री। उसी तरह एंगल 7 बराबर एंगल 5 होगा कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से होगा ना, तो एंगल 7 बराबर कितना आ जाएगा 108, समझ गए। अच्छा, उसी तरह यहाँ पे जो एंगल 2 है एंगल 6 के बराबर होगा ना, एंगल 6 बराबर एंगल 2 होगा कैसे, संगत कोण से ना, संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से। तो एंगल यहाँ से एंगल 6 बराबर कितना जाएगा, तो जो 2 है वही एंगल 6 हो जाएगा, तो एंगल 2 कितना है 72 डिग्री ना, तो 72 डिग्री। अब देखिए एंगल आपका 6 आ गया तो 8 भी वही होगा ना, यहाँ लिख दीजिए एंगल 8 बराबर एंगल 6 कैसे होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी कि ये भी आ गया आपका कितना, कितना है एंगल 6, तो एंगल 6 72 है, तो एंगल 8 भी कितना गया 72 आ गया, यानी कि सारे एंगल निकल गए। तो सारे एंगल दो ही टाइप के हैं, एक है 72 है तो दूसरा वाला 108 है, ऐसे ही है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल गया कि अगर एक कोण भी दिया है ना आपके पास तो सारा कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका संबंध हम लोग जानते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे प्रत्येक चित्र में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है जबकि ए बी समांतर है सी डी के। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक्स होगा ये 65 के बराबर होगा ना, शीर्षाभिमुख कोण से, तो पहले लिख देंगे कि एंगल एस आर
बी, देख लीजिए एस आर बी यानी कि एक्स के बारे में बात हो रहा है, और ये होगा ए आर पी, है ना, बराबर होगा एंगल ए आर पी, नाम दिया इसलिए नाम से लेके चलते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये होगा शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल एस आर बी को हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं, एक्स से, तो सिंपली एक्स लिखिए या एंगल एक्स लिखिए, ठीक है, तो एक्स भी सिर्फ लिख सकते हैं, तो एक्स बराबर हो जाएगा एंगल ए आर पी कितना है आपका 65, यानी एक्स का वैल्यू आ गया आपका 65 डिग्री, समझ गए। उसी तरह अगर वाई की बात करें तो एक्स और वाई का योग है ना एक ही तरफ के है ना अंतःकोण है ना ये दोनों, ठीक है, एक ही ये जो मतलब तिर्यक रेखा खींच रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण है तो उनका योग 180 डिग्री होता है ना, तो यहां लिख दीजिए कि एंगल एस आर बी है ना, यानी कि वो एक्स के बारे में कह रहे हैं, और दूसरा कौन सा है तो एंगल आर एस डी, दोनों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, कैसे, क्योंकि है ना तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का अंतःकोण, ऐसे लिख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण, ठीक है, इसलिए उनका युग्म क्या, युग्म का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, ये बता चुके आपको प्रमेय में, तो एस आर बी तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, यानी कि एक्स यानी 65, ये 65 है और ये क्या है आपका वाई है, तो अब इसको ले जाकर तो घटा देंगे, यानी वाई बराबर आ जाएगा 180 और माइनस का 65, तो घटा दीजिए इसमें से, तो 65 घटा दीजिए तो हम ये आपका 115 आ जाएगा ना, समझ गए, चलिए ऐसे समझ में आ गया। चलिए इसका सेकंड देखिए, सेकंड नंबर भी ए बी समांतर है सी डी और इसमें भी एक्स और वाई का ही मान निकालना है, तो इसमें भी उसी तरह करेंगे, यहाँ जो एक्स होगा इसके बराबर होगा ना एकांतर कोण से, है ना, एकांतर अंतः कोण से ये दोनों बराबर होगा, कौन कौन सा एंगल, तो एंगल इसका नाम देते हैं सी एस आर बराबर होगा एंगल एस आर बी के, कैसे होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा एकांतर एकांतर अंतः कोण से, एकांतः अंतः कोण से ये दोनों कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि ये x है और ये है आपका 105, यानी कि 105 आ गया किसका, x का वैल्यू 105 आ गया। अब देखिए इन दोनों का युग्म 180 होता है ना रैखिक युग्म से, तो देखिए तो कितना सिंपल है, एंगल सी एस आर प्लस एंगल सी एस क्यू बराबर 180, कैसे होगा, तो रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर से, ठीक है। चलिए तो इसमें आपको अगर एक एंगल पता हो ना तो सारा एंगल इसमें निकाल सकते हैं, ये तो आपको पहले ही समझा चुके हैं, इसका जो वैल्यू है कितना है 105 ना, चलिए, और प्लस ये तो आपका वाई है और बराबर में 180, अब देखिए ये जाकर उधर घटा दीजिए तो वाई बराबर कितना जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा ना घटके, चलिए देखिए तो कितना इजी है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे, 8 नंबर जो है आपके बुक में गलत दे रखा है, ठीक है, इसको हम सुधार दिए और आंसर में भी आपको गड़बड़ कर दिया है, इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पहले दो तरह का क्वेश्चन है, इसमें पहले दिया है कि नीचे के चित्र में एक्स और वाई का मान ज्ञात करें, आपको क्या किया कि यही क्वेश्चन लिख दिया इसके नीचे ये तीनों को लिख दिया है, तो आप उसको सुधार लीजिएगा, हम जैसे बता रहे हैं जैसे यहाँ लिखे है ना इसको इस तरह से सुधार लेना है, नीचे के प्रत्येक चित्र में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, जहां यदि यहाँ पे कह रहा है कि यदि एल समांतर है एम के और समांतर है एन के, यानी कि ये जब तीनों एक दूसरे के समांतर है तब, ठीक है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ एल एम एन क्या है समांतर है, तब ये हमें क्या निकालना है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। और फिर ये इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नीचे के चित्र में कारण सहित समांतर रेखाओं के युग्म को लिखना है, ठीक है, तो वहां आपके आंसर में भी गलती कर दिया और क्वेश्चन भी आपको गलत कर दिया है, इसीलिए हम दोनों जगह इसको सुधार दिए हैं, आप इसको सुधार लीजिएगा, आंसर भी आपको बता दे रहे बनाकर और यहाँ क्वेश्चन में भी इस तरह से आप उसको लिख लेना है, आपको ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर में दो तरह का, ये एक दो नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उसके लिए कह रहा है और ये स्टेटमेंट जो यहाँ दिया है ये इसके लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे हैं कि एक्स और 60 यानी कि चाहे तो आप ए बी सी डी पी क्यू नाम भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि एक्स और 60 इन दोनों का युग्म का योग कितना हो जाएगा 180 ना, एक ही तरफ के है ना जो तिर्यक रेखा है उसके एक ही तरफ के अंतः कोण है ना, तो इनका योग 180 होता है, ये जाकर उधर घटा दीजिएगा तो 120 आ जाएगा ना। चलिए अब उसी तरह ये जो है आपको निकालना है वाई, तो ये वाई जो होगा 60 के बराबर होगा ना, वाई बराबर 60 होगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे चाहे तो इसके पास ब्रैकेट में, ठीक है, क्या लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के
एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, ये तो समझ गए। चलिए एक ही ओर के अंतःकोण से ये हो जा रहा है, ठीक, एक ही ओर के अंतःकोण है। चलिए अब वाई 60 के बराबर क्यों होगा, एकांतर कोण से ना, ये दोनों एकांतर कोण से, तो शॉर्ट में आपको बता दी है, ये आप तो समझ ही गए हैं कैसे हो रहा है। चलिए इसका सेकंड नंबर भी है उसी तरह का है, एक्स जो होगा इसके बराबर होगा ना, एक्स जो होगा है ना, एक्स एक्स जो होगा 100 के बराबर हो जाएगा। इसका सेकंड नंबर में देखिए एक्स जो है 100 के बराबर हो जाएगा। 100 के बराबर क्यों हो रहा है, तो वही एकांतर कोण से हो रहा है, एकांतर कोण से ऐसा हो रहा है। चलिए एकांतर कोण से क्या हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। अब देखिए ये 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ये जो 100 हो गया, इसके बगल वाला यहाँ कितना कोण आ जाएगा आपका, ये जब 100 है तो ये कितना जाएगा, 80 ना, और ये इसके बराबर होगा, आप बना लीजिएगा इसको नाम देके। चलिए तो ये वाई बराबर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना आपका, क्योंकि ये संगत कोण से बराबर हो जाएंगे ना, ये हम शॉर्ट में आपको बता दिया, आपको तो क्लियर हो ही गया, इसको आप बना सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट में आपको समझा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे के चित्र में कारण सहित आपको समांतर रेखाओं के युग्म को लिखना है। तो देखिए ये और ये, या एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी का योग जो है, या एंगल डी या एंगल ए लिखिए इस तरह से, डी और ए का योग जो है यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, तो 115 और प्लस 65 अगर जोड़ रहे हैं तो ये हो जा रहा है 180। तो ये जो हो रहा है, ये जो है ये दो रेखा है और इस पे ये एक तिर्यक रेखा है, ये ए बी और डी सी दो इस तरह रेखा है और इस पे ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, और एक ही तरफ के अंतः कोण का योग क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। इसलिए आपका जो होगा ये ए बी समांतर हो जाएगा डी सी के, है ना। इसी प्रकार यहाँ देखिए हम लोग एंगल ए और एंगल बी को लेकर चलते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, तो 115 और प्लस 65, तो ये भी जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 180 आ रहा है ना। तो यहाँ भी देखिए कि ये दो रेखाएं ए डी और बी सी दो रेखाएं हैं और इस पे ये तिर्यक रेखा है और ये दोनों एक ही तरफ के अंतःकोण है ना, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का अंतःकोण है, तो दोनों के युग्म 180 हो रहा है, यानी कि ये वाला इसके समांतर हो जाएगा, यानी कि ए डी जो होगा समांतर हो जा रहा है बी सी के, है ना। तो यहाँ भी आप इसी तरह लिख सकते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण के युग्म बराबर है, अंतःकोण के युग्म का योग 180 है, जिसके कारण ये समांतर हो जा रहा है, ठीक है। आपके आंसर में क्या किया है कि 8 का ये वाला आंसर दे दिया है, ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर बी सी, और ये 9 का आंसर दे दिया है, ये 60 120 और 60 और 100 और 80, ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा आप, ये 8 नंबर का ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र जो है, नीचे जो चित्र दिया गया इसमें एम और एन दो रेखाएं हैं और इस पे एक तिर्यक रेखा पी है, तो हमें अगर एंगल 1 बराबर 60 डिग्री दिया है और एंगल 2 कह रहा है कि एक समकोण का 2/3 है, तो साबित करना कि ये एम एन के समांतर, तो सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया है कि एम तथा एन दो रेखाएं हैं जिस पर एक तिर्यक रेखा P है। एंगल 1 बराबर दिया है 60 डिग्री, एंगल 1 बराबर दिया है 60 डिग्री और एंगल 2 जो है ना वो कह रहा है 2/3 है, किसका, एक समकोण का 2/3, है ना। तो साबित करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है आपको कि M जो है ना N के समांतर है, समझ गए। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, देखिए इसमें एक नाम ले लेते हैं हम लोग, ये 2 है, यहाँ पे एक एंगल 3 ले लेते हैं, ठीक है, खुद से लिए हैं। अब देखिए इसमें प्रमाण देखिए, अब देखिए एंगल 2 जो है क्या कह रहा है कि एक समकोण का 2/3 यानी 2/3, अच्छा एक समकोण यानी कि 90 डिग्री का 2/3, है ना। चलिए इसको काट दीजिए यहाँ से 30 बार में, यानी एंगल 2 बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल 2 बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल 2 60 आ गया और एंगल 1 भी 60 आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा एंगल 3 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा क्या, कैसे होगा, तो सिरसा विमुख कोण से यानी कि एंगल 3 बराबर भी क्या आ गया यहाँ से 60 डिग्री, और चूंकि एंगल 1 भी क्या है आपका
60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ एंगल वन तथा एंगल तीन, एंगल वन तथा एंगल थ्री क्या है, तो संगत कोण के युग्म है, संगत कोण के युग्म है, संगत कोण के युग्म है। एंगल वन और एंगल थ्री संगत कोण के युग्म है। जब संगत कोण के युग्म है एंगल वन और एंगल थ्री, तो एम एन के समांतर नहीं हो जाएगा संगत कोण के प्रतिलोम से, तो यहां लिख सकते हैं इसलिए संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से जो होगा एम समांतर हो जाएगा एन के। ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि नीचे के चित्र में M समांतर है N और P समांतर है Q, तो यदि एंगल 1 बराबर 75 डिग्री है, एंगल 1 बराबर 75, तो साबित करें कि एंगल 2 जो होगा एंगल 1 प्लस एक समकोण का 1/3। तो चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपके दिया है कि एम समांतर है एन और जो आपका पी समांतर है किसके, क्यू के, है ना। और एक और चीज यह है कि एंगल वन जो है आपके पास 75 डिग्री है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है आपको क्या सिद्ध करना है कि एंगल टू जो है ना, एंगल टू बराबर होगा एंगल वन प्लस एक समकोण का, एक समकोण का 1/3, एक समकोण का 1/3। तो चलिए इसको साबित करते हैं, चलिए देखते हैं इसका प्रमाण। अब देखिए यहां जो है एंगल, चलिए एक और इसमें नाम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एंगल तीन, ठीक है। तो यहां जो आप फिगर में देख रहे हैं एंगल तीन जो बराबर होगा एंगल एक के ना, कैसे बराबर हो जाएगा, संगत कोण से, कैसे होगा, संगत कोण से, क्योंकि आपके पास समांतर है ना पी और क्यू समांतर है, जो कि आपके पास दिया हुआ है कि पी समांतर है क्यू के, इसलिए एक संगत कोण से हो जाएगा, यानी कि एंगल तीन बराबर हो जाएगा एंगल वन, तो वन कितना है वैल्यू 75, तो एंगल तीन भी आ गया 75, ठीक। अब देखिए एंगल तीन और प्लस एंगल दो बराबर हो जाएगा 180, दोनों का युग्म 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, एक ही ओर के अंतःकोण है ये, इसलिए इनका युग्म का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए M समांतर है ना, तो है ऊपर चाहे तो लिख सकते हैं कि चूंकि M समांतर है N के, ये क्या है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ ये भी दिया हुआ है, इसको भी लिख सकते हैं यहाँ दिया है। चलिए तो एंगल यहाँ से 3 बराबर जो है क्वेश्चन में आया है आपको बताया है, तो 75 डिग्री, और एंगल 2 तो आपको निकाल लेना है पहले यहाँ से, तो इसको ले जाके जब उधर घटाइएगा तो एंगल 2 का मान निकल जाएगा ना, तो घटाइएगा तो कितना जाएगा 105 ना, तो एंगल 2 बराबर आ जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 105 डिग्री आ गया, अब देखिए इसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी ला सकते हैं और डायरेक्ट इसका RHS भी लेके भी दिखा सकते हैं, तो हम लोग इसी से ला देते हैं। एंगल 1 का वैल्यू है आपके पास 75, तो इसमें से 75 को अलग कर दीजिए, ठीक है, और कितना बचेगा, तो प्लस 30 बचेगा, यही ना बचेगा। तो अब चलिए क्योंकि देख लीजिए यहाँ एंगल 1 यानी 1 का मतलब 75 ना, तो इसलिए 75 को अलग कर लिया, बचा हुआ कोण को अलग कर लिए, दोनों को जोड़ेगा तो 105 आ जाएगा। अब देखिए एक समकोण का एक तिहाई, तो ये 30 जो है एक तिहाई है ना 90 डिग्री का, तो यहां लिख देते हैं आप, और ये एंगल 1 ही है आपका, तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा, ये हो गया एंगल 1, क्योंकि 75 है एंगल 1 का वैल्यू ना क्वेश्चन में। चलिए और प्लस ये जो 30 है 30, ये क्या है, एक समकोण का एक तिहाई तो है ही, एक समकोण का 1/3, यही साबित करना था ना, तो ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि नीचे के चित्र में x बराबर है y, यहाँ देखिए x बराबर है y, x कोण y कोण के बराबर है और a कोण b कोण के बराबर, तो साबित करना है कि r समांतर होगा आपके n के, ठीक है। तो यही हम लोग पहली, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए दिया है क्वेश्चन में कि ये जो x है ना y के बराबर है और ये कोण है ना, और a जो है b के बराबर है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है R जो होगा समांतर होगा N के, ये R जो होगा समांतर होगा N के। तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। पहला चीज देखिए X दिया है बराबर Y के, ये क्या हुआ, तो क्वेश्चन में आपके दिया है। अच्छा ये जो X और Y है ये संगत कोण के युग्म है ना,
यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण के प्रतिलोम से, क्योंकि आपस में बराबर है ना, तो संगत कोण के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से, प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, तो R जो होगा R ये समांतर हो जाएगा M के, R जो होगा समांतर हो जाएगा कैसे, M के हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है, तो संगत कोण के प्रतिलोम से अगर ये बराबर है तो ये समांतर हो जाएंगे ना। इसी प्रकार दूसरा चीज आपके पास दिया है कि A बराबर है B, A बराबर B क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, A जब B के बराबर है तो ये भी तो संगत कोण के युग्म में दिख रहा है ना, तो यहां लिख सकते हैं संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से, ठीक है, प्रतिलोम से क्या हो जाएगा आपकी बात, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि M जो होगा ना, M समांतर हो जाएगा N के, M क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा N के। अच्छा इसलिए देखिए, चूंकि आपके पास यहां पे दिया हुआ है, चूंकि यहां देख रहे हैं कि R समांतर हो गया M, तथा ये भी देख रहे हैं कि M जो समांतर हो गया N के, इसलिए आप एक प्रमेय पढ़े थे ना कि जब जब एक रेखा के दो रेखाएं समांतर हो तो परस्पर भी समांतर होंगी, तो यहां देख रहे हैं कि M के समांतर N भी है और R भी है, इसलिए जो होगा R N के भी समांतर हो जाएगा, यही ना साबित करना था, तो ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि यदि M, N और P तीन रेखाएं इस तरह हैं कि P समांतर है M के, तो चलिए हम लोग रेखा ले लेते हैं, एक रेखा हो गई आपकी P और जो समांतर है किसके, रेखा M के, ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं इसका, ये जो है ये रेखा P है, ठीक है, इसका नाम P है, और एक रेखा है ये कौन सी रेखा है, तो एक रेखा है आपकी M, ये देखिए ये दोनों समांतर हो गया, और N जो है रेखा एक वो P पर लंब है, यानी P पर लंब रेखा आपको बनाना है N। चलिए इस पे एक लंब दिखा देते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है, ये बाहर भी निकाल सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे कहीं भी इतना ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये क्या है लंब है किस पे, N पर, N जो है सॉरी N ये रेखा है, इस रेखा का नाम है N और ये लंब है P पर, इन्हें कह रहा है कि N जो है लंब है P पर, तो देखिए लंब हो गया, तो साबित करना है कि N जो होगा M पर भी लंब होगा, तो ये तो बहुत इजी है, इसको साबित करते हैं, सबसे पहले देखेंगे दिया है, दिया क्या है कि ये जो P रेखा है पैरेलल है M के, देखिए P पैरेलल है M के, और क्या दिया है कि N जो है N N लंब है P पर, N लंब है P पर, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो चाहे तो आप एक दो करके भी मान सकते हैं, चलिए इसको एंगल वन मान लीजिए, इसको टू मान लीजिए, दो ही कोण से आपका इसका काम हो जाना है, ठीक है, तो दो ही जरूरी है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि N जो होगा लंब होगा M पर, ठीक है, N क्या होगा लंब होगा M पर, ये साबित करना है, यानी कि ये यहाँ पे भी लंब होगा, ये आपको दिखाना होगा, समझ रहे ना, चलिए इसको साबित करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए यहां लिखते हैं प्रमाण, प्रमाण है ना। चलिए अब जो कि यहाँ कह रहा है, पहला चीज क्या कह रहा है कि N जो है ना लंब है P पर, ये दिया हुआ है, N लंब है P पर, ये आपके पास क्वेश्चन में दिया है, जब ये लंब होगा तो यहाँ जो एंगल वन हम लोग माने हैं, एंगल वन कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा ना, क्योंकि वो उस पर लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा अब चूंकि पी जो है, पी समांतर है ना आपके एम के, ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब समांतर है तो एंगल वो जो दो बन रहा है, एंगल जो टू बन रहा है, ये एंगल वन के बराबर होगा, एंगल टू जो होगा एंगल वन के बराबर होगा, कैसे, तो एकांतर अंतः कोण से ये बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण से ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि आपको यहां से एंगल टू का मान निकल जाएगा, एंगल टू बराबर कितना, यहां घेर के लिख देते हैं, एंगल टू बराबर कितना जाएगा 90 डिग्री, और जब एंगल टू ये 90 का हो जा रहा है, यानी कि ये लंब है ना, इसलिए जो N है ये लंब है किस पे, M पे, यही आपको साबित करना था, ये प्रमाणित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपके बुक में जो आंसर दिया है वो 14 नंबर में दे दिया है, ठीक है, तो 13 का आंसर 14 नंबर में दिया है, ठीक है, और 14 तो आपको साबित करने वाला है, उसको बनाया जाएगा। कह रहा है कि दो रेखाएं किन किन दशाओं में समांतर, तो समांतर होने के लिए आपको शर्तें बताए थे ना, और उस पर प्रमेय भी आपको साबित करके दिखाए थे, तो शर्त कौन कौन से होते हैं, तो ये बताए होंगे कि एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण के युग्म जो होते हैं कि युग्म बराबर होते हैं, युग्म बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं,
संगत कोण बराबर होते हैं, और क्या था, तो अंत कोण जो होते हैं है ना वो संपूरक होते हैं। ठीक है, जैसे दो रेखाएं हो जाएंगी, यानी कि ये वाले अंत कोण जो होंगे संपूरक होंगे, एक ही तरफ के अंत कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से किसी एक को सिद्ध करें, तो आपको सारा इसमें से सिद्ध करके दिखाए थे ना प्रमेय, तो आपको प्रमेय से ही उसको नोट कर लेना है। 14 नंबर देखिए, कह रहा है नीचे की आकृति में L और M दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो और क्या है, P जो है समांतर है L के और Q जो है समांतर है, Q कहाँ है, Q समांतर जो है M के है, तो साबित करना है कि P और Q भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी कि ये जो P आ रहा है और Q आ रहा है तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को काटेगा ना, यही आपको दिखाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपके दिया है कि L और M दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, और क्या दिया है कि तथा, फिर उसका दिया है तथा P समांतर है L के और दूसरा क्या दिया है, Q समांतर है M के, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है आपको, तो ये P तथा Q भी प्रतिच्छेदी रेखा होगी, यानी कि दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ये बताना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, इसको देखिए बहुत इजीली आप बना सकते हैं। प्रमाण देखिए इसका, आपके पास दिया है कि L और दूसरा क्या है आपका M है ना, L और M दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, अच्छा इसको स्वतंत्र रूप से बढ़ाया गया है इधर की तरफ, और ये Q भी, और Q जो है क्या समांतर है M के और P जो है समांतर है L के। देखिए पहले देखिए क्या किया है कि L और M दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अच्छा दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अच्छा देखिए दूसरा चीज क्या है कि जो P जो है ना, P ये समांतर है L के, P समांतर है L के और Q समांतर है N के, ये दोनों चीज दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, P जो है कहाँ है, तो ये रहा P, ये समांतर है L के और ये जो Q जो है समांतर है M के। अच्छा जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, ये रेखा ये इसके समांतर है, तो इसको जब स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाइएगा, किसको, P को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे जब स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के आगे ये चले जाएंगे ऐसे, तो ये एक बिंदु पर यहाँ पे इसको काटेगा, क्यों काटेगा, क्योंकि यहाँ से M रेखा से Q रेखा की जो दूरी है ये हमेशा समान दूरी होगी, तभी ना ये समांतर है और इसकी भी ये समान दूरी होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यदि रेखा P को स्वतंत्र रूप से बढ़ाया जाए तो वह रेखा Q को एक बिंदु पर काटेगी। अच्छा एक बिंदु पर काटेगी, क्यों काटेगी, क्योंकि ये रेखाएं समांतर दी हुई है ना, तो समांतर देने का मतलब है कि इनके बीच की समान दूरी होगी और यहां से भी हमेशा समान दूरी होगी, तो ये एक बिंदु पर जरूर काटेगी। अतः आप लिख सकते हैं कि P और Q भी जब एक बिंदु पर काट रहा है Q को, यानी कि ये एक दूसरे का प्रतिच्छेदी हुआ रहता है, अतः आप लिख सकते हैं कि अतः P तथा Q भी प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं
है, यहाँ से ये आपका साबित हो गया। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड अदर चैप्टर्स के अदर सब्जेक्ट्स के है ना आपको लिंक की जरूरत हो, अदर क्लास की लिंक की जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।